इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जी हां, इंदौर कमिश्नर को राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान सराहनीय कार्य के लिए सर्वोच्च पद से नवाजा जाएगा, जहां पर हरिनारायणचारी मिश्र ने बतौर SDOP से शुरुआत की और इंदौर में DIG और IG का पदभार भी संभाला, जहां पर शहर में माफिया राज के खिलाफ भी इनके द्वारा सख्त कार्यवाही की गई। आइए इसी विषय पर बात करते हैं हमारे सहयोगी जतिन ठाकुर के साथ। तो जतिन जी, बताएं आखिर किस तरीके से IG को नवाजा जाएगा? निकिता जी, मैं आपको बता दूं कि इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र जी की यदि हम बात करें तो एक कई उपलब्धियां उनके नाम से है। तो निश्चित तौर पर ये सर्वोच्च पद यदि जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो उन्हें मिलने जा रहा है, यह उन्हें मिल जरूर रहा है, लेकिन ये इंदौर शहर के लिए भी एक गौरवान्वित होने का विषय है। निश्चित तौर पर जिस तरह उन्होंने इंदौर शहर में, जिस तरह अभी आपने बताया कि उन्होंने SDOP से शुरुआत की, DIG भी रहे, IG भी रहे, और अभी वर्तमान में इंदौर पुलिस कमिश्नर का एक महत्वपूर्ण दायित्व वो संभाल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये इतना बड़ा उन्हें एक सर्वोच्च पद मिलना इंदौर शहरवासियों के लिए भी एक गौरवान्वित होने का विषय है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र जिस तरह भी हम स्वभाव की उनकी बात करें तो जितने स्वभाव से वो सौम्य है, लेकिन अपराधी और अपराधी गतिविधियों पर नकेल कसने में वो त्वरित कार्रवाई कराने में वो हमेशा आगे रहे हैं, और इसका परिणाम सामने है कि तमाम अपराधी गतिविधियों पर जिस तरह लगाम कसी है, कहीं ना कहीं उसके पीछे और उससे महत्वपूर्ण यदि हम बताएं भूमिका, वो हरिनारायणचारी मिश्र सर की रहती है। और तमाम इतनी कई उपलब्धियां हैं इंदौर शहर में जो तमाम जितने भी बात करें हम, कि मैं आपको यदि गिनाने बैठूंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर तमाम यदि पुलिस सेवा में रहते उन्होंने जितने भी सराहनीय कार्य किए हैं उसको लेकर ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च पद उन्हें मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल जतिन जी, इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद हरिनारायणचारी मिश्र जी इंदौर के पहले कमिश्नर बने, जहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके से उनकी कार्य कुशलता की बात करें या फिर लोगों से उनके डील करने की क्षमता की बात करें, हम लोगों के प्रति या फिर किसी भी अपराधी के प्रति उनका व्यवहार जिस तरीके से रहता है, उनकी कार्य कुशलता साफ झलकती है, इसको लेकर के कुछ बताइए। निश्चित तौर पर सर हरिनारायणचारी मिश्र सर जो वर्तमान में हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नर हैं, उनका एक ही मोटो है, और जिस तरह आपने भी बताया एक बिल्कुल सही कहा आपने कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से उन्होंने अपने जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको एक शब्द निर्देश दिए थे कि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम हो कसनी चाहिए, और अपराधियों पर जो आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तमाम यदि हम सभी पूरे इंदौर शहर की, चाहे वो इंदौर जिला हो, ग्रामीण सेक्टर की हम बात करें या आसपास जहां भी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इंदौर जिले की खास तौर पर मैं बात करूं तो उनके द्वारा जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसका सकारात्मक परिणाम बहुत अच्छा सामने आ रहा है। अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, तमाम थानों में हम बात करें जिस तरह का सिस्टम में हल्का सा जो बदलाव हुआ है कि जो भी फरियादी अपनी शिकायत लेके आता है उसको त्वरित निराकरण मिलता है, और यदि कमिश्नर सर के पास आता है तमाम, जिस तरह हम बात करें कि अभी फिलहाल तो अभी कोविड का समय चल रहा है लेकिन अभी बीच में एक बार फिर जनसुनवाई शुरू हुई थी, तमाम लोग अपनी फरियादें लेके अपने आवेदन लेके पुलिस कमिश्नर सर के पास आते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें न्याय मिलता है। तो कहने की उनकी कार्य कुशलता ये कि उनका त्वरित जो भी अपराधिक गतिविधियां उस पर जल्द से जल्द लगाम कसे, अपराधियों को सजा मिले, ताकि इंदौर में जो क्राइम रेट यदि बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आओ। निश्चित तौर पर अभी हम बात करें तो अभी वर्तमान समय में कहीं ना कहीं अपराधी गतिविधियों में लगाम कसी गई है। जी बिल्कुल जतिन जी, इंदौर में देखा जाए तो एक समय ऐसा था जब आत्महत्याओं का दौर लगातार जारी था, कहीं ना कहीं आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था, इसको लेकर भी इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा कई अच्छे कदम उठाए गए थे, तो इसको लेकर के आप कुछ बताइए। निश्चित तौर पर सर ने DIG रहते हुए भी तमाम यहाँ पे इंदौर में कभी इतने नवाचार किए जो कहीं ना कहीं आज के समय में भी हम उसकी बात करें। मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ कि संजीवनी हेल्पलाइन करके एक शुरुआत हुई थी जिसमें लगातार जो आत्महत्या के जो मामले सामने आते थे उसमें कहीं ना कहीं वो हेल्पलाइन जो जिनके जो अवसाद में रहते थे लोग, जिनके मन में अलग अलग विचार आते थे उनकी काउंसलिंग होती थी उसमें, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो इस तरह के विचार आते थे या वो परेशान रहते थे तो कहीं ना कहीं संजीवनी हेल्पलाइन के माध्यम से उनको काफी राहत मिलती थी और वो अवसाद से बाहर आते थे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके द्वारा शुरू की गई संजीवनी हेल्पलाइन ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए। जी बिल्कुल
जतिन जी, देखा जाए तो हम कोरोना काल की बात करें या फिर हम सामान्य समय की बात करें, उस दौरान भी इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा जहां पर कई सारे कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए, महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए, या फिर देखा जाए तो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए उठाए गए, तो इस तरीके से भी इंदौर पुलिस कमिश्नर ने DIG रहते समय, IG रहते समय भी कई सारे कार्य किए हैं जहां पर इंदौर में और इंदौर की जनता भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी उनकी कार्य प्रणाली से और आज भी है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा निकिता जी कि लगातार DIG रहे, IG रहे और पुलिस कमिश्नर है, उनकी कार्यप्रणाली का लोहा हर कोई जानता है, किस तरह उनके कार्यप्रणाली होती है, किस तरह वो अपने कार्य के दक्षता के आधार पर इंदौर शहर के क्राइम कंट्रोल को लगे रहते हैं। इसके साथ एक बात सही बताई कि जो दूसरा पहलू है, आम जनता को न्याय दिलाना, उनकी परेशानियों को सुनना और त्वरित उसमें, खासकर जो आपने बात की महिलाओं को लेकर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शहर का जो महिला थाना है वहाँ पे एक ऊर्जा डेस्क संचालित होती है जहाँ से महिलाओं को उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके साथ साथ महिलाएं, जो परेशान महिलाएं आती हैं, उन महिलाओं को उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकरण तो किया ही जाता है, उन्हें न्याय तो दिलाया ही जाता है, साथ में जो परेशान महिलाएं उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी एक खासा प्रयास किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सर के मार्गदर्शन में महिला थाना की हम बात करें तो वहाँ से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है, बड़ी संख्या में जो महिलाएं जो परेशान थी, जिनके अपने परिवार को भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है, उनको आत्मनिर्भर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस थाने पर महिलाओं की शिकायतें सुनी जाती थी वहां से उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया गया, तो यह एक सार्थक प्रयास था सर का और निश्चित तौर पर इसमें पूरी टीम ने उनके साथ मिलकर काम किया। तो इस तरह के तमाम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सर के DIG रहते हैं माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर भी हम बात करें तो इतने बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्हें अपना प्लॉट खरीदे, मकान खरीदे, लाखों रुपए के जो थे उस वक्त के भी, मैं आपको 20 साल पहले जाना चाहता हूँ, लोगों ने प्लॉट खरीदे, गृह निर्माण संस्थाओं से प्लॉट खरीदे, लेकिन आज तक वो प्लॉट से अपना मकान नहीं बना पाए थे क्योंकि उनको प्लॉट ही नहीं मिल पाया था। भूमाफियाओं ने जिस तरह से भूमाफियाओं सक्रिय हुए, उन्होंने उनके प्लॉट पे कब्जा किया और वो दर दर भटकते रहे। तो कहीं ना कहीं उस वक्त DIG रहते उन्होंने जो अभियान चलाया भूमाफियाओं के खिलाफ, उससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली, उनको उनके प्लॉट मिले। कुछ लोग तो ऐसे उदाहरण है जिनके वो उस वक्त अभी वो बुढ़ापे में है, उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन जब उन्हें 30 साल बाद जब उन्हें उनके प्लॉट मिले तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंदौर कमिश्नर सर हरिनाचारी मिश्र का धन्यवाद किया, क्योंकि एक सपना होता है इंसान का मकान बनाना, और ऐसे में यदि माफिया उनके मकान उनके प्लॉटों पर कब्जा कर ले तो कहीं ना कहीं उनके सपना कहीं टूटता नजर आता। लेकिन ऐसे कई टूटते सपनों को इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनाचारी वहां पर अपने आप मकान भी बनाए। तो कहने के माफियाओं के खिलाफ हर तरह के माफिया, चाहे वो ड्रग माफिया हो, ड्रग माफिया में भी यदि कुछ समय पहले 70 MDM ड्रग्स जो रहती है उसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई थी और बड़ी संख्या में उसमें लोग भी गिरफ्तार हुए। तो कहीं ना कहीं माफियाओं के खिलाफ भी शिकंजा DIG के माध्यम से इंदौर शहर में रहा और कहीं ना कहीं इसमें अपराध में कंट्रोल हुआ। जी बिल्कुल जतिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनाचारी मिश्र जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो इसको लेकर के क्या पुलिस कमिश्नर की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जब से घोषणा हुई है उसके बाद से? देखिए निश्चित तौर पर अभी सर, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है और CM भी इंदौर में रहेंगे तो उसकी व्यवस्थाओं में सर लगे हुए हैं, लगातार उनकी बैठकें चल रही है, पर निश्चित तौर पर इतना बड़ा एक सम्मान मिलना हर इंसान के लिए और एक सर्वोच्च पद, वो अभी इंदौर पुलिस कमिश्नर है और ऐसे में सर्वोच्च पद मिलना उनके लिए काफी, मैंने जिस तरह आपको शुरुआत में कहा था कि उनके लिए तो काफी वो कुत्तों गौरवान्वित होंगे, लेकिन हमारे इंदौर शहर के लिए भी एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि पुलिस कमिश्नर इंदौर को इतना बड़ा सर्वोच्च अवार्ड मिल रहा है। जी बिल्कुल जतिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।